मुझसे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं बाड़मेर जैसलमेर पश्चिम राजस्थान संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। वहाँ पर BADP बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हर साल करीब 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पैसे वहाँ पर जो वहाँ चार ब्लॉक है, जैसलमेर, बाड़मेर, शिव और धोरीमना, तो शुरू से आ रहे हैं। परंतु अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2006 में गाइडलाइन आई, उस गाइडलाइन से सिर्फ 10 किलोमीटर बॉर्डर एरिया से खर्च कर सकते हैं। उसके बाद फिर गाइडलाइन फरवरी 2014 में पिछले साल आई, उसमें भी कहा कि 10 किलोमीटर के अंदर। पिछले 7-8 साल के अंदर 10 किलोमीटर के अंदर करीब करीब सारे काम होता है, बिजली है, सड़क है, पानी है। तो और वहाँ पर बॉर्डर एरिया के अंदर बहुत थिनली पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिससे बात करते हैं, वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर तो हम सिर्फ 10 किलोमीटर खर्च कर सकते हैं। ये मैंने मुद्दा आदरणीय गृह मंत्री जी से भी कहा है, उन्होंने सिंपैथेटिक मेरे को जवाब दिया है, क्योंकि आप यह बॉर्डर एरिया का प्रपोजल आ रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे इस आपको रिक्वेस्ट है कि आप गृह मंत्री जी के और मंत्रालय से कहें कि गाइडलाइन बदल करके वहाँ 0 से 10 किलोमीटर के बजाय वहाँ सारा उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि वहाँ पूरा विकास हो। दूसरा इसी से लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ कि जो BADP का जो कमेटी है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, एक स्टेट लेवल की है, उसमें सांसद उसका सदस्य भी नहीं है। मैं खत्म कर दिया, इसलिए मेरा उसका सांसद को वहाँ का लेना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से वहाँ अपने प्रपोजल बना के भेज देता है। धन्यवाद साहब।